हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11, जिसमें हम लोग यूनिट 2 का रीड 2 पढ़ रहे थे, पालनपुर यूथ री इन्वेंट्स द हम्बल वॉच, जिसमें हमने प्रणव मिस्त्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अब उन्होंने कौन कौन सी कुछ चीज़ों का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है टेली टच। इसमें क्या होता है, आप लोग जैसे कि फ़ोन यूज़ करते हो तो कोई भी एप्लीकेशन, जैसे जस्ट टच करने से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, उसके अंदर अलार्म लगा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, डोर ओपन कर सकते हो, इवन मोबाइल से आप लोग टीवी भी ऑन कर सकते हो। तो इनके बारे में बताया गया है। तो टेली टच लेट्स यू टच एंड कंट्रोल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप दूसरी चीज़ों को वश में नियंत्रित कर सकते हो खाली स्पर्श के मात्र से। सी थ्रो योर स्मार्टफोन्स कैमरा एंड कंट्रोल एवरीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन बाय टचिंग इट। ओके, आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, आप उसके ऊपर खाली टच करके उन सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हो। नाउ यू कैन इंटरेक्ट विथ योर एप्लीकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, इंटरेक्ट करना यानी कि क्या करना, तालमेल बिठा सकते हो, प्रत्यायन कर सकते हो, कहाँ से, एक डिस्टेंस मतलब कि दूरी से भी आप एप्लीकेशन को प्रत्यायन कर सकते हो, चालू कर सकते हो, इन अ फन वे यानी कि एक मज़ेदार तरीके से। टीवी अलार्म म्यूजिक प्लेयर ओपन द डोर टर्न ऑन दैट लाइट जस्ट बाय टचिंग इट ऑन स्क्रीन। तो क्या बोल रहे हैं, आप जस्ट खाली स्क्रीन पर टच करके, स्पर्श करके दरवाज़ा खोल सकते हो, म्यूजिक चला सकते हो, टीवी चालू कर सकते हो और अलार्म लगा सकते हो। इट्स सिंपल, और ये सरल है। टेली टच लेट्स यू इंटरेक्ट विथ योर वर्ल्ड विथ टच फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लास्ट में, ये आपको आपकी दुनिया के साथ सिर्फ टच के, स्पर्श मात्र से आपको एक तालमेल बिठा देता है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ आती है स्पर्श। तो स्पर्श के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जो कॉपी पेस्ट करते हो वो बताया गया है, मतलब कि एक डिवाइस से जो जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको अगर दूसरे डिवाइस में लेनी हो तो आप आसानी से ले सकते हो। तो देखो, लेट्स यू कॉन्सेप्चुअली ट्रांसफ़र मीडिया फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू योर बॉडी एंड पास इट टू अनदर डिजिटल डिवाइस बाय सिंपल टच गेस्चर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी आप एक डिजिटल डिवाइस में से, उपकरण में से एक जानकारी को दूसरे डिजिटल डिवाइस में आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो, कैसे, खाली उस पर स्पर्श करके। टच वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉपी फ्रॉम लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, ई बुक रीडर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप जो भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, खाली उस पर टच करो। नाउ इट इज़ सेव कॉन्सेप्चुअली इन यू। अब ये पूरी तरह से आपने सेव हो गया है। नेक्स्ट टच द डिवाइस यू वॉन्ट टू पेस्ट। अब आपको कहाँ पे टच करना है, जहाँ पे आप इस जानकारी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जैसे कि फ़ोन में से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर में पेस्ट करो। स्पर्श यूजेस टच बेस्ड इंटरेक्शन एज एन इंडिकेशन फॉर वर्ड टू कॉपी फ्रॉम वेयर एंड वेयर टू पास इट ऑन। तो इसके अंदर क्या होता है, आप इस जानकारी को कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके बारे में ये इंडिकेशन करता है, आपको संकेत देता है। ओके, और ये किसके जैसे कार्य करता है, इसे एक चिन्ह की तरह कार्य किया जाता है, चिन्ह की तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सनफ्लावर, लेट्स अस ट्रैक द सन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रैक करना यानी कि सूर्य कहाँ है उसका, उसे देखना। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सन फ्लावर, यह एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सूर्यमुखी है। विथ सैंपल OPAMP 741 सर्क्यूलेटरी एंड फोटो सेंसर ही हैज़ क्रिएटेड ए सन फ्लावर विच वुड मूव विथ द सन। ओके, तो ये प्रोग्राम है OPAMP 741, तो ये प्रणव मिस्त्री ने क्रिएट किया, जिससे क्या होता है, सनफ्लावर किसके साथ मूव करना यानी कि गति करता है सूर्य के साथ। दो लेटर द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी एफिशियंटली यूज इन सोलर पैनल एट हिज इंस्टीट्यूट एज द पैनल कुड गेट द मोस्ट एफिशियंट एंगल ईच टाइम।
एफिशिएंट का मीनिंग होता है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो सनफ्लावर वाला एप्लीकेशन प्रणव मिस्त्री ने इन्वेंट किया, ये बहुत ही असरदार तरीके से उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? सोलर पैनल इंस्टीट्यूट, यानी कि सूर्य ऊर्जा संग्रह करने वाले बोर्ड में। ओके, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।